नमस्कार, मैं संदीप कुंडी और आप देख रहे हैं समाचार एक्सप्रेस। चलिए देखते हैं आज की खास खबर। हसायन में जायद अली फौजी के नेतृत्व में सपा के सिपाहियों और सैकड़ों लोगों ने सपा को जिताने के लिए प्रतिज्ञा। आपको बता दें कि आज हसायन में जायद अली फौजी वरिष्ठ सपा नेता के नेतृत्व में समाजवादी पार्टी के तमाम वफादार सिपाहियों और सर्व समाज के लोगों के साथ आज प्रतिज्ञा ली और कहा कि कल आगरा में जो राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने दिशा निर्देश दिए हैं, इसलिए हम सभी समाजवादी लोग अपने विधानसभा प्रत्याशी को जिताने का काम करेंगे। सिंगल आदमी कोई बता दे, जब नेताजी की सरकार थी डीएमओ एसपी डेली दस्तक दे देते आपको, आपको पता भी है और फिर भी पता चल जाएगा। आपको सरकार बना दो, आपका ब्याज पे ब्याज, सियाज पे सियाज, चक्र लिया धागे तुम्हारा ऐसा मुकाब देंगे। जो इस देश में चल रहा है सब हमारे सामने है। हर बुद्ध की भी इस बात से वाकिफ है, कोई ऐसा सच नहीं है जो इस बीजेपी से परेशान नहीं है। महफिल में जरा अपना माहौल तो बन जाने दो, महफिल में जरा अपना माहौल तो बन जाने दो, हम नगमाए हस्ती का हर साज बदल देंगे। महफिल में जरा अपना माहौल तो बन जाने दो, हम नगमाए हस्ती का हर साज बदल देंगे और बानूर बना देंगे संभाग तेरी लोग को, जिस रोज ये परवाने परवाज बदल देंगे। मैं जाहिद अली फौजी 80 विधानसभा क्षेत्र सिकंदर राव से, मैंने माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के समक्ष एक आवेदन किया था टिकट लेने के लिए, जिसमें 18 लोग दौड़ में थे। अब हमारे भाई मेरे बीच में नहीं है, ललित बघेल को टिकट दिया है, तो वो हम ललित बघेल को ना मानकर हम माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को माने कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव यहाँ से टिकट लड़ रहे हैं। हम राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव का काम कर रहे हैं और समाजवादी का काम कर रहे हैं और अपने अस्तित्व को बचाने का काम कर रहे हैं। हम जो टिकट दिया उसका आदर और सम्मान करते हैं, उनके आदेश का सभी कार्यकर्ता सम्मान करते हैं और 2022 में माननीय अखिलेश यादव जी को हम मुख्यमंत्री बना रहे हैं और आगामी 20 तारीख को हमारा तीसरे चरण में मतदान है। हम सभी कार्यकर्ता समाजवादी, यादव, मुस्लिम और सभी वर्ग के लोग, जाटो समाज भी हमारे साथ दे रहा है, सभी वर्ग हम मतदान कर ललित बघेल को सिकंदर राव विधानसभा से 80 विधानसभा से विधायक बना के भेजेंगे। जब हम माननीय अखिलेश जी से अपने हक के लिए फिर दोबारा से लड़ेंगे, क्योंकि वो मुख्यमंत्री होंगे तो हमारी बात सुनेंगे, तो हमारा मुख्यमंत्री ना होगा तो सुनेगा कौन हमारी। जय समाजवाद, जय अखिलेश।